हमारी दरखास्त के लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी सारी पॉपुलरिटी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी कितनी पॉपुलर है, ये अवाम की बुनियादी हकूक का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज किया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है और कैंपेन में पार्टिसिपेट करना भी हमारा हक। हम दरख्वास्त देते हैं तो हमें इजाजत नहीं मिलती। ये अवाम का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। अगर हर रोज आप अवाम के रास्ते रोकेंगे तो हम 8 तारीख के बारे में क्या प्रिडिक्ट करें। मेरी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि आपने ही कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवाया था, हमने आपसे मिले थे, आपने हमें यकीन दहानी कराई, आपने बंद कमरे में भी यकीन दहानी कराई थी, आपने ओपन हॉल में सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने यकीन दहानी करवाई कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद सबको बराबर और मसावी का सलूक मिलेगा। और उस बराबर और मसावी सलूक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, हर कैंडिडेट का है। हमारे कैंडिडेटों को आज अपने इंतखाबी निशानात इंट्रोड्यूस कराने में क्यों ये दिक्कतें पेश आई, उनमें क्यों ये मुश्किलात पेश आ रही है। हम इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबता तौर पर मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लें, मेक श्योर करें हमें आइंदा ये ना हो। लेकिन जो आज हमें रोका गया और हमारे उस रास्ते में रुकावटें डाली गई, ये हम समझते आयीन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी।